कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। 12-13 हजार के आसपास जो सारे ट्रेंडिंग फोन है, उस सारे फोन का मैं चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले सारे फोन का नेम और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। टेक्नो पोफा 3 में मिलता है 7000 mAh का बैटरी, काफी पावरफुल बैटरी है और ये फोन भी बहुत बड़ा है, लेकिन 25 वाट का चार्जर यहाँ पे दिया है। सैमसंग गैलेक्सी F13 में मिलता है 6000 mAh का बैटरी और यहाँ पे 15 वाट का चार्जर आउट ऑफ बॉक्स दिया है। ओप्पो A57 में 5000 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन यहाँ पे 33 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ बॉक्स दिया है। इन्फिनिक्स नोट 12 में भी 5000 mAh का बैटरी है और यहाँ पे भी 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। चलो चारों फोन को मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले सारे फोन को मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी चलो स्विच को ऑन करते हैं और मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, सारे ही फोन में 0% चार्ज करके मैं रखा हूँ। चारों ही फोन में 5% होने के बाद मैं चारों ही फोन का जो पावर है वो ऑन कर दूंगा। 11 मिनट हो चुका है। अगर आप लोग चार्जिंग के पास देखोगे, इन्फिनिक्स में 17% चार्ज है, ओप्पो में भी 17% है, सैमसंग में 7% है और टेक्नो में यहाँ पे देख लीजिए 4% है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत लेट करके चार्ज होएगा, क्योंकि यार 7000 mAh का एक तो बैटरी है और 25 वाट का चार्जर है, तो इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चार्ज हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। खैर, सारे फोन का नेम मैं आप लोगों को ऊपर में लिख दूंगा कौन सा फोन का नेम क्या है। 20 मिनट हो चुका है चार्जिंग के पास। यहाँ पे देखोगे टेक्नो में 8% चार्ज है, सैमसंग में 12% चार्ज है, यहाँ पे ओप्पो में 29 है और इन्फिनिक्स में 30% चार्ज है। तो 5% तक यहाँ पे ना बहुत स्लो करके चार्ज कर रहा था टेक्नो में, उसके बाद जो 3% हुआ है वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। 30 मिनट हो चुका है। अगर आप लोग चार्जिंग के पास देखोगे टेक्नो में देख लीजिए 18% चार्ज है, तो अभी टेक्नो जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे सैमसंग में देख लीजिए 18% चार्ज है, ओप्पो में 44 है और इन्फिनिक्स में 42 है। 10 मिनट पहले मैं आप लोगों को दिखाया था कि इन्फिनिक्स में जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है ओप्पो से, अभी 10 मिनट के अंदर ही 2% इंक्रीज करके पहले में पहुंच गया है ओप्पो। ओप्पो अभी फास्ट चार्ज हो रहा है। 45 मिनट हो चुका है चार्जिंग के पास। देखोगे यहाँ पे इन्फिनिक्स में देख लीजिए 59 है और ओप्पो में 64 है, तो ओप्पो जल्दी जल्दी चार्ज कर रहा है इन्फिनिक्स से। टेक्नो भी सैमसंग को ओवर कर दिया है। यहाँ पे टेक्नो में 31 है और सैमसंग में 29 है। शुरू का 15 मिनट टेक्नो सिर्फ 4-5% चार्ज किया था, तो बहुत लेट करके चार्ज कर रहा था, अभी बहुत जल्दी जल्दी चार्ज कर रहा है टेक्नो पोफा 3। 1 घंटा हो चुका है चार्जिंग के पास। देखोगे यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनिक्स में 75 है और ओप्पो में 76 है, तो दोनों ही फोन को कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए सैमसंग में 33% चार्ज है, यार ये बहुत लेट करके चार्ज कर रहा है। अगर आप ये फोन ले रहे हो ना तो थोड़ा सा सोच समझ कर लेना, और मैं तो कहूंगा 25 वाट का सैमसंग का चार्जर मिलता है वो खरीद लेना, 2000 रुपीस पड़ेगा उस चार्जर, वरना इसी चार्जर से 15 वाट के चार्जर से अगर चार्ज करोगे 1 घंटे में तो 33% हुआ है, मुझे लगता है 3 घंटे के ऊपर जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है अभी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और यहाँ पे टेक्नो में देख लीजिए 41% चार्ज है, ऑब्वियसली यार यहाँ पे 7000 mAh का बैटरी है, तो चलो देखते हैं कौन सा फोन पहले फुल चार्ज करता है। 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है, तो चार्जिंग के पास देख लो इन्फिनिक्स के फोन में 88% चार्ज है और ओप्पो 92 है, तो ओप्पो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए सैमसंग में 43% चार्ज है, टेक्नो में 51 है। ये दो फोन फुल चार्ज होने के लिए बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन ये दो फोन देखते हैं फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगाता है। फाइनली ओप्पो में 100% चार्ज हो चुका है 1 hour 28 मिनट में, तो मैं यहाँ पे लैप कर देता हूँ और यहाँ पे इस फोन को मैं पलट दूंगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हीटिंग टेस्ट करके बताऊं, तो यहाँ पे देख लीजिए ओप्पो में 33 है, तो चार्जिंग के टाइम में उतना ज्यादा हीट नहीं होता है। और यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनिक्स में अभी भी 94 है, तो ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है। दोनों ही फोन सेम टाइम में चार्ज हो रहा था, लेकिन जब 80% क्रॉस किया तो इन्फिनिक्स बहुत लेट करके चार्ज करने लगा है। उसी जगह में टेक्नो और सैमसंग को देख लीजिए, बहुत लेट कर रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा फुल चार्ज करने के लिए। 1 hour 47 मिनट हो चुका है और अभी भी 99% चार्ज हुआ है। उसी जगह में टेक्नो में देखोगे 76 है और सैमसंग में 62 है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, लगभग 3 घंटे के आसपास जाएगा फुल चार्ज होने के लिए। फाइनली इन्फिनिक्स में 100% चार्ज हो चुका है 1 hour 52 मिनट में, तो बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। तो चलो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 32.4 के आसपास है, तो नॉर्मल है, उतना ज्यादा हीट नहीं हुआ है अभी। चलो ये देखते हैं कि सैमसंग और टेक्नो के फोन में फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है। सैमसंग तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, लगभग 2.5 घंटा होता जा रहा है। और यहाँ पे टेक्नो में देखोगे 98% चार्ज है और सैमसंग में 86% चार्ज है। यहाँ पे देख लीजिए 100% चार्ज हो चुका है टेक्नो पोवा 3 2 hours 34 मिनट में। तो चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 32 के आसपास है, तो नॉर्मल है, ज्यादा हीट नहीं हुआ है। रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 31.4 के आसपास है, तो नॉर्मल टेम्परेचर है।
तो चलो इस फोन को हम लोग पलट देंगे और यहाँ पे हम लोग लैब कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सैमसंग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, मुझे लगता है और भी 30 मिनट के आसपास लगेगा फुल चार्ज होने के लिए सैमसंग गैलेक्सी F30। फाइनली सैमसंग के फोन में भी 100% चार्ज हो चुका है 2 आवर्स 56 मिनट में, लगभग 3 घंटा लग गया है यहाँ पे सैमसंग का फोन फुल चार्ज होने में। इसका भी हम लोग हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 35 है, तो सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा हीट हुआ है। एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, ऊपर से चार्ज होने के टाइम थोड़ा सा हीट भी होता है। ऐसे भी 35 उतना ज्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन तीनों फोन में से ये ज्यादा हीट हुआ है चार्जिंग के टाइम में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।